Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं सत्वी चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस आगरा में। तो कल मैंने आपको डाइस स्टार्ट किया था और डाइस में दो टाइप करा दिए थे। एक तो फर्स्ट टाइप में एक डाइस वाले जो आते हैं आपका मानक पासा और साधारण पासा, वो वाले क्वेश्चन कराए थे। और सेकंड टाइप में दो डाइस वाले जो आते हैं जिसमें एक नंबर कॉमन होता है, दो नंबर कॉमन होते हैं या फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन कराए थे। आज उनसे थोड़ा सा आगे चलेंगे टाइप थर्ड पे, जिसमें तीन डाइस दिए हुए होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तीन डाइस और चार डाइस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जिसमें तीन डाइस दे रखे हों, कोई भी क्वेश्चन हो और आपको जिसमें तीन डाइस दे रखे हों उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। दोस्तों आज बहुत मज़ा आने वाला है, आप पूरी क्लास पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आज सारे तरीके बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन करने के, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है ये वाला। जब किसी भी क्वेश्चन में आपको तीन डाइस दे रखे हों, जब किसी भी क्वेश्चन में आपको तीन डाइस दे रखे हों तो हमें वो वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है। तो जो हमने कल सीखा था कि एक नंबर दो डाइस लेते हैं और दोनों डाइसों में कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए, उसी से हम तीन डाइस वाला या चार डाइस वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करूं, ये 2012 CGL में पूछा गया है और इसमें क्या दे रखा है, ये तीन डाइस दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है, पहला क्वेश्चन बताना है पासा एक में, इस वाले में निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी, मतलब दो के अपोजिट, ऊपर दो दे रखा है तो दो के अपोजिट क्या होगा वो वाला बताना है, निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर तीन में, क्वेश्चन नंबर दो में बताना है पासे तीसरे में, इस वाले पासे में निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी, मतलब पांच के अपोजिट कौन सी संख्या होगी ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है छह के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो हम कोई भी इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई दो डाइस लेंगे, तो दो डाइस ले लेते हैं, पहला और दूसरा ले लेते हैं, वो वाले डाइस लेते हैं जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। तो इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में एक दिखाई दे रहा है, इन दोनों में एक जो है वो क्या है कॉमन है, और हमें दोनों में एक एक नंबर कॉमन दिख गया तो समझो हमारा काम बन गया। तो देखो कैसे करते हैं, तो पहले वाला लेते हैं। मैंने आपको बताया दोनों में जो कॉमन होता है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था, एक लिख लिया। फिर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में हम घूमते हैं। तो एक लिखा, एक के बाद क्या लिखा दो लिखा, और दो के बाद क्या लिखा दोस्तों तीन लिखा, एक दो तीन क्लॉकवाइज लिख लिए। फिर दूसरे वाले डाइस को देखते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसे कॉमन के नीचे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर वही काम अपना, क्लॉकवाइज चलते हैं, एक से चार, चार से छः, ऐसे करके। तो एक से चार और चार से छः लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब वो वाला नंबर देखते हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इन अंकों में। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, पांच का अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक के सामने लिख देते हैं पांच, बस हो गया। तो देखो इसमें क्या हुआ, तीन के अपोजिट क्या आ गया छः आ गया, दो के अपोजिट क्या आ गया चार आ गया, और एक के अपोजिट क्या आ गया दोस्तों पांच आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है पासा एक में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो एक में कौन सी संख्या होगी, जब ऊपर वाली पे दो है तो ऊपर वाली के नीचे बताना है, मतलब दो के अपोजिट बताना है, दो के अपोजिट क्या है दोस्तों चार है, तो हमारा आंसर क्या आ गया चार आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पासे तीसरे में निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी, पासे तीसरे में, पासा तीसरा ये है, जब ऊपर वाली पे पांच है तो नीचे वाली पे कौन सी संख्या होगी ये बताना है हमें, तो मतलब पांच के विपरीत बताना है, पांच के अपोजिट बताना है। तो पांच के अपोजिट क्या है, पांच के अपोजिट एक है, तो हमारा आंसर ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछा है, संख्या छह के विपरीत कौन सी संख्या होगी,
संख्या 6 के विपरीत बतानी है। तो देखो 6 के विपरीत क्या दे रखा है, 3, तो ये भी आंसर आ गया। बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, हम जरूरी नहीं है कि जो आप कहोगे कि सर आपने तो पहला और दूसरा लेके कर दिया, अब जरूरी थोड़ी है कि पहले और दूसरे से करें, तो आपकी मर्जी है, कोई से भी दो डाइस ले लो, अगर एक ही तरह के, मतलब एक ही डाइस की ये अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, मतलब कोई भी डाइस हमने फेंका, उसके फेंकने के बाद एक बार वो गिरा तो ऐसे दिखाई दिया, दूसरी बार गिरा तो ऐसे दिखाई दिया, मतलब एक ही डाइस की अलग अलग, मतलब अलग अलग देख तरीके से देखने पे अलग अलग आकृतियां हमें दिखाई देती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले और दूसरे से ही करें, हम पहले दूसरे से करें, पहले तीसरे से करें, कोई भी दो डाइस ले लें जिसमें एक अंक कॉमन हो। तो इस बार हम देखते हैं कि पहले और तीसरे से करके देखते हैं अगर आंसर यही आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो, पहले और तीसरे से करूं तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो पहले और तीसरे में मुझे दो का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दो नंबर ले लिया हमने। दो के बाद फिर क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज चलते हैं, दो से तीन चले और तीन से एक चले, ठीक है, दो से तीन चले और तीन से चले एक। अब क्या करते हैं, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं और वही क्लॉकवाइज चलते हैं, दो, दो से छः और छः से पाँच, छः पाँच, जो नंबर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा उसको उसके सामने लिख देते हैं। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, चार का नहीं दिखाई दे रहा, तो चार हम इसके सामने लिख देंगे, तो अब वही वाले आंसर आए होंगे। देखो एक के अपोजिट पाँच आया है, यहाँ पे भी एक के अपोजिट पाँच है, दो के अपोजिट चार आया है, दो के अपोजिट चार है, तीन के अपोजिट छः आया है, यहाँ पे भी तीन के अपोजिट छः है। तो दोस्तों कोई भी दो डाइस ले लें, हमारा आंसर सेम आएगा अगर पासे सही हैं, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है, अगर आंसर सही नहीं आ रहा तो समझो बुक में या किसी में अगर अलग अलग डाइस से आंसर सही नहीं आ रहा तो वो गलत दे रखा है, कोई मिस्टेक हो गई है, और नहीं तो हमारे किसी भी दो डाइस से हम आंसर निकालें तो हमारे आंसर सेम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो आगे वाला और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम, देखो चाहे तो पासे पे वो हमें नंबर लिख दे, अल्फाबेट लिख दे, कोई सिंबल लिख दे, लाल पीला हरा कोई भी कलर लिख दे, हमें उस चीज़ से हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें वही काम करना होता है जो करते आ रहे हैं, बस यही देखते हैं कि दो पासे देखेंगे, बस इसमें दो पासे देखेंगे, कोई भी दो पासे ले लो जिसमें एक कोई भी सिंबल क्या हो, कॉमन हो दोनों में। तो देखो पहले और दूसरे को देखता हूँ तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले और तीसरे को देख लेते हैं जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो, तो पहले और तीसरे से करते हैं, एक व तीन से करते हैं, देखो भाई कोई दिखाई दे रहा है, तो पहले में क्या दिखाई दे रहा है, पहले और दूसरे में देखो हैज दिखाई दे रहा है, हैज जो है कॉमन है पहले डाइस में और तीसरे डाइस में, तो अपना वही काम करेंगे, देखो हैज है तो यहाँ हैज से चलना स्टार्ट करेंगे, पहले हैज, हैज के बाद क्या आ जाएगा, एट द रेट के बाद क्या आ जाएगा, डॉलर, ठीक है। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिया, फिर चलेंगे हैज के बाद परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद सी आ जाएगा, परसेंटेज और परसेंटेज के बाद सी आ जाएगा, जो इसमें जो सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है वो इसके सामने लिख देते हैं। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, स्टार नहीं दिखाई दे रहा, स्टार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पूछा क्या है उसने, अपोजिट ऑफ एट द रेट, एट द रेट के अपोजिट पूछा है, तो देखो एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया, एट द रेट के अपोजिट भाई दोस्तों परसेंटेज आ गया, ठीक है, वही काम करते हैं। अब देखो आप कहो कि सर जी हम तो पहले और तीसरे से नहीं कर रहे, हम तो दूसरे और तीसरे से करेंगे, तो दूसरे तीसरे से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे तीसरे से हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, इन दोनों में एक अंक कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, दो अंक कॉमन दे रखे हैं, आपका ये वाला परसेंटेज कॉमन दे रखा है और सी दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है और सी दे रखा है, तो हमारे लिए ये सब आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक अंक देखना पड़ता है, तो इससे हमारा इतना आंसर आ जाएगा, इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा कि हैज और सी से और परसेंट से ये दोनों हट जाएंगे, जो रिमेनिंग बचेगा स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो यहां पे भी देखो स्टार के अपोजिट क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने पहले तीसरे से किया, हम पहले और दूसरे से देखें तो वही आंसर आएगा,
पहले और दूसरे में कोई अंक कॉमन नहीं था, ठीक है। तो हम कोई भी अंक दो ले लें, या हम कोई भी ये कह सकते हैं दो पासे ले लें और उनसे हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमें वही काम करना है दोस्तों, सबसे पहले दो डाइस लेने हैं और दोनों डाइस वो लेने हैं जिसमें कोई एक अंक कॉमन दे रखा हो, और उस अंक कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं और हमारे सारे आंसर आ जाते हैं। जैसी क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी हो वैसा हम आंसर टिक कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो आगे तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में अंक दे रखे थे, दूसरे में आपको जो है सिंबल दे रखे थे, और तीसरे वाले में ये पॉइंट दे रखे हैं। जो एक्चुअल पासा होता है उसमें ऐसे ही हमें डॉट दे रखे होते हैं। तो इसमें हमें बताना है, देखो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसमें बिंदु एक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। मतलब ये एक जो बिंदु है इसके सामने वाले पर, मतलब एक के अपोजिट वाले बिंदु बताने हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो चाहे बिंदु दे रखे हों, अल्फाबेट दे रखे हों, या कोई भी सिंबल दे रखे हों, हमारा काम वही रहता है। हमें ऐसे दो डाइस या ऐसे दो पासे देखने होते हैं जिसमें एक अंक कॉमन दे रखा हो, मतलब एक बिंदु कॉमन दे रखा हो। तो मैं देखूं पहले और दूसरे को देखूं तो इसमें दो दे रखे हैं, दो वाले कॉमन दे रखे हैं, तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें देखना है केवल एक अंक कॉमन दे रखा हो। तो मैं पहले और तीसरे की बात करूं तो इनमें एक एक अंक कॉमन दे रखा है, मतलब यहाँ पे दो डॉट दे रखे हैं कॉमन, यहाँ पे भी दो दे रखे हैं, ये वाले दे रखे हैं, तो बस हमारा काम बन गया अगर हमें कॉमन दोनों अंक मिल गए। तो हम जो हैं पहले व तीसरे से करेंगे। तो वही काम करते हैं, जहाँ पर डॉट दो दे रखे हैं तो सबसे पहले वो वाला लिखते हैं, दो डॉट दे रखे हैं दो लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तीन लिखेंगे, और तीन के बाद क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, ठीक है। दो के नीचे दो लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, दो के बाद पाँच आ जाएगा, और पाँच के बाद क्या आ जाएगा, पाँच के बाद छः आ जाएगा। जो अंक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है वो दो के सामने लिख देंगे। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, चार का अंक नहीं दिखाई दे रहा है, चार हम इसके सामने लिख देंगे, बस हमारा काम बन गया। वो हमसे पूछ रहा है कि बिंदु एक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो एक के सामने वाले फलक पर क्या होगी, तो देखो एक के अपोजिट क्या आ रहा है, एक के अपोजिट सिक्स आ रहा है, मतलब एक के सामने वाले बिंदुओं की एक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी दोस्तों, छह होगी। आंसर डी सही है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो वही काम करना होता है, चाहे बिंदु दे रखे चाहे अल्फाबेट या सिंबल कुछ भी दे रखा हो। आप लोग कहो के सर जी हम तो पहले और तीसरे से नहीं कर रहे, हम तो और पासों से करेंगे, तो और से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और से करें। देखो मैं इससे करके देखते हैं, पहले और दूसरे से देखते हैं, पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें दो अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एक और दो, एक और दो से एक दो हट गया, तो क्या बचा, तीन के अपोजिट क्या बचा, पाँच बचा, तीन के अपोजिट क्या बच गया, पाँच बच गया। जो नंबर दो कॉमन होते हैं वो हट जाते हैं, जो रिमेनिंग बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुका था, ठीक है। अगर हम दूसरे और तीसरे से देखें, तो दूसरे तीसरे से देखते हैं, तो इसमें देखो आपको दे रखा है ये वाले दो अंक कॉमन दे रखे हैं, कौन से वाले, ये वाले दो का दे रखा है दो पॉइंट और ये पांच पॉइंट, ऐसे करके दो पॉइंट और ये पांच पॉइंट कॉमन दे रखे हैं। तो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ से एक बिंदु के अपोजिट क्या आ गया, छः आ गया। तो हम यहाँ से भी इसी क्वेश्चन को कर सकते थे जो हमें पूछा है, हमें एक बिंदु के सामने वाले बिंदु पूछे थे, तो यहाँ से निकल के आ गए एक के सामने छः निकल के आ गए। अगर हम इन दो से दो कॉमन वाले मेथड से हम करते इस क्वेश्चन को, तो ये वाले दोनों हट जाते, रिमेनिंग एक और छः बचता, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो हम यहाँ इन दो पासों से भी आसानी से कर सकते थे, इसकी कोई करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो इससे अब आगे क्या बचा, चार बचा और क्या बचा, वो चार बचा और जो है दो बचा, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इससे देखें वही आंसर आ रहे थे, एक के अपोजिट छः आ रहे थे, छः आ रहा था, यहाँ पे भी एक के छः आ रहा है, तीन के अपोजिट पाँच आ रहा था, यहाँ पे भी तीन के अपोजिट पाँच आ रहा है, दो के अपोजिट चार आ रहा था, यहाँ पे भी दो के अपोजिट चार आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात मेरी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा काम ये है
कोई भी दो पासे लेने हैं जिसमें एक अंक कॉमन हो उससे कर देंगे, चाहे दो दो कॉमन हो उससे भी कर देंगे, आंसर हमारा सेम ही आना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों में से निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। हमें ये बताना है कि ये तीन डाइस हमें दे रखे हैं, तीन पासे दे रखे हैं, इसमें बताना है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब चार के अपोजिट इस वाले पासे में बताना है, चार के अपोजिट इस वाले पासे में बताना है, और चार के अपोजिट इस वाले पासे में बताना है। ठीक है, हमें ऐसे करके बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो बस वही काम है, कोई भी दो पासे उठा लेते हैं जिसमें एक अंक कॉमन दे रखा हो, बस हमारा काम बन जाएगा। देखो पहला दूसरा देखते हैं, पहले दूसरे में देखें तो हम जो है चार और जो है तीन, मतलब दो अंक कॉमन दे रखे, काम नहीं बनेगा, हमें देखना एक अंक कॉमन वाला। तो पहले और तीसरे को देखें, तो पहले और तीसरे के देखें तो हमारा काम बन गया, चार का अंक जो है कॉमन दे रखा है, इसमें भी चार कॉमन है और इसमें भी चार कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन मिल गया तो हमारा काम बस बन गया। तो अपना वही काम करते हैं, सबसे पहले कॉमन है तो कॉमन लिखते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, चार के बाद क्या चलेंगे, छह पे आ गए, छह के बाद कहां पे आ गए, तीन पे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले पासे में चलेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, उसके बाद आप जो है चार, चार के बाद क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, और दो के बाद क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा, दो के बाद सॉरी एक आ जाएगा, ये वाला जो है चार दो एक, चार दो एक, यहाँ पे चार छह तीन, ऐसे करके। अब जो अंक नहीं इसमें दिखाई दे रहा है वो हम चार के सामने लिख देते हैं, मतलब कॉमन के सामने लिख देते हैं। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो एक दे रहा है, दो दे रहा है, तीन दे रहा है, चार दे रहा है, हमें पांच का अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने पांच यहाँ पे लिख दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नीचे दिए गए पासों को दर्शाया गया है प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा अंक होगा, निचली सतह पर बताना है, मतलब ऊपर चार दे रखा है तो हमें चार के अपोजिट बताना है। वो कह रहा है कि निचली सतह पर कौन सा होगा, मतलब जब ऊपरी पे चार दे रखा है तो मतलब चार के अपोजिट हमें बताना है। अब चार के अपोजिट क्या आ गया, चार के अपोजिट दोस्तों यहाँ पे पांच आ गया, तो इस वाले चार के अपोजिट क्या होगा, पांच, ये वाला, इस वाले चार के अपोजिट क्या होगा, ये वाला पांच, और इस वाले चार के अपोजिट क्या होगा, ये वाला पांच। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए सही है, ए सही है, पांच होगा, पांच पांच पांच। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात मेरी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। तो इससे आप कहो कि सर जी हम नहीं कर रहे दूसरे और तीसरे से, हम नहीं कर रहे पहले और तीसरे से, हम तो पहले और दूसरे से करेंगे, तो पहले दूसरे से कर लो, कोई नहीं। देखो पहले दूसरे में कौन से दो अंक कॉमन थे, तो दो अंक वाले मेथड कर देंगे, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चार और तीन दे रखा है, यहाँ पे भी चार और तीन दे रखा है, यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया दो के अपोजिट क्या है, छह, जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो यहाँ से निकल के क्या आ गया, दो के अपोजिट छह है। अगर मैं इन दोनों से करूँ तो इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कॉमन चार दिखाई दे रहा है और दो दिखाई दे रहा है, चार दिखाई दे रहा है और दो दिखाई दे रहा है, चार और दो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, चार और दो है तो यहाँ से तीन बचा और एक बचा। ठीक है, बाकी दो अंक और बचे, कौन से बचे, चार बचा और पांच बचा, तो वही इनसे आंसर आया होगा। तो देखो दो के अपोजिट छह, दो के अपोजिट छह, तीन के अपोजिट एक, तीन के अपोजिट एक, चार के अपोजिट पांच, चार के अपोजिट पांच। तो कोई हम दो पासे ले लें, अगर हमारा मेथड सही है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आ रहा, वही आएगा। तो बच्चों बिल्कुल हम खोल देंगे एक एक पासे को, सारी चीजों को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ये नहीं कि जैसा क्वेश्चन आया एक ट्रिक बना ली उससे कर दिया, वैसा नहीं, बिल्कुल खोल के पढ़ेंगे आसानी से। आंसर में इतना बड़ा करना हूँ, देखते ही आंसर आ जाएगा, आप करोगे। तो मैं सारे मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आगे लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सारे मेथडों की जरूरत पड़ेगी, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सारे मेथडों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा बेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने जो है तीन डाइस वाले देख लिए, अब हम देखेंगे चार डाइस वाले जिसमें चार पासे दे रखे हों, वो वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, हमें ये जो है अब
पिछले वाला क्वेश्चन हमने 3 डाइस का पढ़ा था, अब इसमें 4 डाइस दे रखे हैं, ये अब हम पढ़ेंगे 4 डाइस, 4 पासे दे रखे हों तो बस कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमें 2 दे 3 दे या 4 दे। हमारा काम वही रहता है कि हमें ऐसे 2 डाइस दे रखे हो, दे 2 डाइस की खोज रहती है कि हमें ऐसे 2 डाइस मिल जाएं जिसमें 1 अंक कॉमन हो और हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको ये 4 डाइस दे रखे हैं, इसमें 3 के उल्टे फलक पर कौन सा अंक होगा ये बताना है, मतलब 3 के अपोजिट बताना है कौन सा अंक होगा। तो हम बस वही काम करेंगे, हम देखते हैं कोई 2 पासे ले लो जिसमें 1 अंक कॉमन दे रखा हो, 1 अंक कॉमन दे रखा हो। तो देखो, अगर हम मैं पहले और चौथे को देखूं तो कोई अंक कॉमन दे रखा है? हाँ भाई दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 वाला अंक जो है कॉमन दे रखा है। तो हमारा बस वही काम रहता है कि 2 पासों में 1 अंक कॉमन मिल गया तो हमारा काम बस बन गया। तो देखो, पहले और तीसरे से मैं करूँ, पहले व चौथे से, पहले और चौथे से देखते हैं। देखो 3 अंक कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 3 अंक कॉमन है, 3 लिख लिया, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब जो कॉमन रहता है उसे कॉमन के नीचे लिख लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, और जो बचता है उसे कॉमन के सामने लिख देते हैं। तो कौन सा अंक बच गया दोस्तों? यहाँ पे 5 का नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 का अंक बच गया यहाँ पे, तो 5 इसके सामने लिख देंगे। हमें पूछा है कि 3 के उल्टे वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 3 के उल्टे वाले फलक पे मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या निकल के आ गया? 5। तो बस हमारा आंसर हो गया कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये तो अपना मेथड है, बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। आप कहो कि सर हम पहले और चौथे से नहीं कर रहे, हम तो पहले और दूसरे को देखेंगे, पहले दूसरे से कर लेते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मैं पहले और दूसरे को देखूं तो मुझे 2 अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 और 4 कॉमन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 3 और 4 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जो कॉमन होते हैं वो हट जाते हैं, रिमेनिंग जो बचता है वो उसका अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे क्या बच गया? 6 बच गया, 6 के अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। समझ में आ गई बात? अब हम देख रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई दूसरे और तीसरे को एक बार देख लेते हैं, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दे रखा है? यहाँ पे 1-1 अंक कॉमन दे रखा है, 2 नहीं दे रखे, तो काम नहीं बनेगा भाई। तो हम देखो ये वाला देखें, तो अगर पहला देखें और तीसरे वाला देखें, पहला और तीसरा देखें, पहले और तीसरे में क्या कॉमन दे रखा है? पहले और तीसरे में जो है आपका ये वाला कॉमन दे रखा है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है। यहाँ पे भी 4 और 6 क्या बचा? 3 बच गया और 5 बच गया, तो 3 बचा और 5 बचा अपोजिट हो गए। अब हमारे 4 अंक आ गए, 2 अंक बचे हैं, तो वो एक दूसरे के वैसे ही अपोजिट होंगे, तो क्या बच गया आपका? 4 बच गया और क्या बच गया? 2 बच गया, 4 2 के अपोजिट होगा। तो देखो वही वाले आंसर निकल के आए होंगे, 4 2 के अपोजिट आया, यहाँ पे भी 4 2 के अपोजिट है, 6 1 के अपोजिट आया, यहाँ पे भी 6 1 के अपोजिट है, 3 5 के अपोजिट आया, यहाँ पे भी 3 5 के अपोजिट है। मतलब एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ हमको दी गई हैं, तो हम कोई भी 2 पासे ले लें और हमारा रिजल्ट सेम निकल के आएगा, मतलब हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, चाहे तो अपना 1 कॉमन वाला मेथड देख लें या 2 कॉमन वाला मेथड देख लें, किसी से भी कर सकते हैं। अगर और आगे करना हो तो और मैं आगे करके बता सकता हूँ, पहले दूसरे और तीसरे से देख लो, आंसर वही आएगा। दूसरे और तीसरे से हम देखें तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई? दूसरे और तीसरे में जो है 4 का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 लिखा, 4 के बाद हमने 1 लिखा, 1 के बाद हमने 3 लिखा। ठीक है, यहाँ पे फिर कॉमन के नीचे कॉमन लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, फिर हमने 5 लिखा, और जो बचा है वो 4 के सामने लिख दिया। क्या बचा है? 2 बचा है, 2 हमने यहाँ लिख दिया। तो इससे भी देखें हमारा आंसर सेम आएगा, 4 के अपोजिट 2 आया है, 4 के अपोजिट 2 था, 1 के अपोजिट 6 आया है, 1 के अपोजिट 6 था, 3 के अपोजिट 5 आया है, 3 के अपोजिट 5 है यहाँ पे। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो जिस मेथड से कर लो, आंसर हमारा सेम आना है। अगर हम चीज़ों को एक बार अच्छे से करना सीख जाते हैं तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा कंसेप्ट सही है तो हम डायस को कैसे भी करें हमारा आंसर सेम निकल के आएगा। तो रटना नहीं है आपको कि हमें ऐसे करना है, चाहो तो 1 कॉमन से कर लो, 2 कॉमन से कर लो,
कोई भी दो पासे उठा लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हमको दर्शाई जाती हैं। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो मतलब आप समझ जाओ बुक में गलत दे रखा है, या कोई मिस्टेक हो गई है, या अलग अलग डैस दे रखे हैं, वो एक पासे के नहीं है, आंसर सही नहीं आ रहा। अगर हमारे डैस सही हैं तो हमारा आंसर भी कोई भी दो डैस ले लें एकदम सही आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात बिल्कुल आप तक पहुँची होगी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया है चाहे अंक दे रखे हों आपको, या कोई अल्फाबेट दे रखा हो, या कोई सिंबल दे रखा हो, तो हमारा तरीका वही रहता है करने का। देखो इसमें मैं एक और नया मेथड दिखा सकता हूँ आपको, ऑप्शन वाला, ऑप्शन वाले से भी कर सकते हैं। मैं बस आपको एक ही बात बता चुका हूँ, अगर हमारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो हम कोई भी मेथड से करें आंसर हमारा देखते ही आ जाएगा, ठीक है। देखो इससे करते हैं एक और, इसमें ये आपको चार स्थितियाँ दे रखी हैं किसी भी पासे की, और आपको सी के विपरीत बताना है कि सी के अपोजिट कौन सा अंक होगा। देखो सी के अपोजिट क्या होगा, मैंने आपको कल की क्लास में एक बात समझाई थी कि जो पास वाली होती हैं वो कभी अपोजिट नहीं होती हैं, हमें सी के विपरीत पूछा है, तो मैंने सिखाया था पास वाली जो सतह होती हैं वो अपोजिट नहीं होती हैं, तो मैं सी के अपोजिट देखूं तो सी के अपोजिट ई नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तो भाई पास वाली सतह है, ये तो संलग्न सतह है, तो इनके अपोजिट हो ही नहीं सकता, तो सी के अपोजिट ना तो ए होगा और ना ही ई होगा, तो ए और ई यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो, ना तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ना ये वाला ऑप्शन हो सकता है सी के अपोजिट। अब दूसरे वाले पे चलें, दूसरे वाले में सी के अपोजिट ना तो डी हो सकता है और ना ई हो सकता है, डी और ई दे रखा है, नहीं दे रखा है ऑप्शन में। तीसरे वाले पे चलें, सी के अपोजिट ना तो बी हो सकता है और ना डी हो सकता है, बी दे रखा है तो बी नहीं हो सकता ना डी हो सकता, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, क्या बचा, एफ बचा, तो सी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एफ होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगर बहुत जल्दी से आंसर करना है, देखो हमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो जाती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि एक कॉमन से करें कि ऑप्शन से करें, बस एग्जाम में हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा जल्दी से आंसर आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे तुक्के से आए, चाहे ट्रिक से आए, चाहे रट के आए, कैसे भी आए, बस हमारा आंसर जल्दी से आना चाहिए। तो जल्दी से आंसर के लिए जब चार डाइस आपको दे रखे हों तो 100% कम से कम ऑप्शन, आप तीन ऑप्शन मतलब हटा सकते हो, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, कहीं से भी आप हटा सकते हो तीन ऑप्शन, अगर चार डाइस दे रखे हैं तो, चार डाइस तभी देता है वो, हम तीन ऑप्शन से हटा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो, आपने इस पे अच्छी प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन से भी करना सीख गए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और वो मेथड तो हमारा है ही है कि ऐसे दो कोई हम ऐसे कोई दो डाइस देखते हैं जिसमें एक कॉमन हो, देखो उससे भी हमारा आंसर एफ ही निकल के आएगा। तो मैं पहले और दूसरे को देखूं तो कोई एक है कॉमन इनमें, एक नहीं, इनमें दो कॉमन है। पहले और तीसरे को देखूं तो कोई एक कॉमन है, हाँ एक कॉमन है, बी कॉमन है पहले और इसमें, बी ए वाला कॉमन है, यहाँ पे भी बी कॉमन है पहले में और दूसरे में, पहले और तीसरे में बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है सी, तो सी से करेंगे, यहाँ पे ये वाला सी कॉमन है सी, तो देखो वही काम करेंगे, जो कॉमन होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, सी सी के बाद ए लिखेंगे और ए के बाद क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, वही अपना क्लॉकवाइज चलते हैं, सी सी से ए, ए से ई, ठीक है। अब जो कॉमन होता है कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं, सी सी के बाद क्या आ गया, डी और डी के बाद क्या आ गया, बी, जो बचता है उसके सामने लिख देते हैं, कौन सा अंक बचा, ए दिखाई दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी नहीं दे रहा है, तो डी हमने यहाँ पे लिख दिया, डी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये डी जो है, तो अपोजिट निकल के आगे, हमें क्या अपोजिट निकालना था, सी के अपोजिट, सी के अपोजिट निकालना था, कुछ गड़बड़ हो गया, देखो कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से देखो, हमें पहले और इससे करना है, पहले वाले और तीसरे वाले से करना है, सी जो कॉमन है वो सबसे पहले कॉमन लिखा, सी सी के बाद ए आ गया, ए के बाद क्या आ गया, ई आ गया, ए के बाद ई आ गया, सी सी के नीचे सी लिखा और डी तो यहाँ हमने लिखा ही है, वहाँ हम डी लिख रहे थे, यहाँ पे बी लिखा, कौन सा बचा, डी ना बच के एफ बचा था, एफ हम गलत लिख गए थे, ठीक है, एफ बचा था, तो सी के अपोजिट पूछा है, सी के अपोजिट पूछा है हमें, सी के अपोजिट क्या आ गया, एफ आ गया, सी के अपोजिट क्या आ गया, एफ आ गया। तो मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ, चाहे कैसे भी करें हमने
ऑप्शन से किया तो हमारा आंसर एफ आया, और हमने ऐसे ट्रिक से किया एक कॉमन ट्रिक से तो उसका आंसर भी एफ आया, चाहे हम कोई और डाइस ले लें उससे भी हमारा आंसर सेम निकल के आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, एक नंबर से करें हम इसको, अगर दो कॉमन से करेंगे फिर भी आंसर हमारा वही निकल के आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये SSC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही हमें चार दे रखे हैं, कोई चार पासे हमें दे रखे हैं, उसमें देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये कोई हमें चार पासे दे रखे हैं और लाल के सामने वाले फलक पर कौन सा रंग होगा, लाल के सामने वाले फलक पर मतलब लाल के अपोजिट बताना है कौन सा रंग होगा। तो ये हमें बस वही काम करना है दोस्तों, सबसे पहले हम दो ऐसे पासे ढूंढते हैं जिसमें कोई हमें एक कोई सतह कॉमन दे रखी हो। तो देखो मैं पहला दूसरा देखूं तो पहले दूसरे में दो कॉमन है, अगर मैं दूसरे और तीसरे को देखूं, दूसरे और तीसरे में देखें तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, गुलाबी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला जो गुलाबी है यहाँ पे है और ये यहाँ पे भी है, बस हमें एक कोई कॉमन दिखाई दे गया तो हमारा काम बस बन गया। तो देखो जो कॉमन दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसको लिखते हैं, गुलाबी कॉमन दिखाई दे रहा है, गुलाबी लिखा, गुलाबी, गुलाबी के बाद क्या आएगा आपका काला आएगा, काला, और काला काले के बाद क्या आएगा आपका नीला आएगा, ये ऐसे नीला आ गया, ठीक है, गुलाबी के बाद काला और काले के बाद नीला, यहाँ पे क्या गुलाबी जो कॉमन होता है कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, गुलाबी के नीचे गुलाबी लिखा, गुलाबी के बाद क्या आया लाल आया, और लाल के जो है लाल के आगे क्या आया पीला, पीला लिख दिया, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो इन दोनों के कॉमन के सामने लिख देते हैं। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमें हरा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो हरा हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमें किसी भी अंक के मतलब किसी भी कलर के अपोजिट पूछ रहे हैं, हम कलर आसानी से बता सकते हैं। तो हमें किसके अपोजिट पूछा है, हमें लाल के सामने वाले फलक पर कौन सा रंग होगा, लाल के अपोजिट पूछा है, तो लाल के अपोजिट क्या निकल के आ गया दोस्तों, लाल के अपोजिट क्या होगा, लाल के अपोजिट काला होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो लाल के अपोजिट क्या होगा काला होगा। तो आंसर डी हमारा एकदम सही है, आंसर डी एकदम हमारा सही है कि लाल के अपोजिट काला होगा। अब आप लोग कहो कि सर जी इसको जो है कॉमन वाले मेथड से करें या मैंने अभी तीसरा वाला दूसरा वाला जो क्वेश्चन बनाया है ऑप्शन से करें, तो एक बार ऑप्शन से करके देख लेते हैं हमारा आंसर जो है काला आएगा या नहीं आएगा। तो काला आएगा बिल्कुल, हमारा कोई भी ट्रिक हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो एकदम सही होगा। तो देखो पहले वाले को हम देखते हैं, पहले वाले को हम देखते हैं, हमें बताना है लाल के अपोजिट, तो लाल दे रखा है, दे रखा है, तो लाल के हमें अपोजिट मतलब लाल के सामने लाल के अपोजिट बताना है, तो ना तो नीला हो सकता है ना गुलाबी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये तो पास वाली सतह है भाई, तो ये नहीं हो सकता, तो नीला और गुलाबी दे रखा है, नीला और गुलाबी दे रखा है, तो गुलाबी को हटा दो, नीला दे रखा है, नीला ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ पे बात करें लाल दे रखा है, यहाँ पे लाल नहीं दे रखा है, यहाँ देखें लाल दे रखा है, लाल के सामने पीला और गुलाबी हटा दो, पीला दे रखा है ऑप्शन में, दे रखा है इसको हटा दो पीले को, और गुलाबी नहीं दे रखा ऑप्शन में, गुलाबी हट गया पहले से। इस वाले में देखें लाल दे रखा है, लाल के हरा दे रखा है, पीला दे रखा है, पीला पहले से हट गया, हरा यहाँ हट गया, तो ऑप्शन डी बचा वही हमारा सही है। तो देखो किसी भी कॉन्सेप्ट से कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा सेम आएगा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर हमने चीजों पे अच्छे से मेहनत की है तो हमारा गलत नहीं हो सकता है, आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे तो हम वन कॉमन वाले मेथड से करें तो हमारा आंसर निकल गया आ गया। और मैं आपको एक ही राय दूंगा, अगर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ऑप्शन उनको हटाएं, तीन ऑप्शन हट जाएंगे, एक जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, और इसको करने में मुश्किल 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे क्वेश्चन को, इस वाले में करने में कॉमन वाले में फिर भी टाइम लगेगा, अगर चार डाइस दे रखे हैं अगर कॉमन वाले से करो या दो कॉमन से करो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो बस विद इन 5 सेकंड में हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे उसके बाद आज की क्लास फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, चौथे वाला,
जो मैं आपको ये चौथे वाला क्वेश्चन जो कराऊंगा, जो मैंने अभी आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, इनका यूज उसमें होगा। मतलब वो क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो देखो मैं एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक गन में छह फलकों में से प्रत्येक पर एक से छह में से एक अंक अंकित है। मतलब एक से छह तक आपको नंबर दे रखे हैं, किसी ना किसी फलक पे कोई ना कोई नंबर अंकित है। यह गण आकृतियां एक दो तीन चार, चार विभिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है। मतलब चार आपको डायस दे रखे हैं, चार पासे दे रखे हैं। तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो ये वाला आपको कथन दे रखा है, इन कथनों पे विचार करके हमें इन ऑप्शनों में से बताना है कौन सा सही है। तो देखो पहले वाला कथन क्या कह रहा है, पहले कथन में कह रहा है, वो पहले वाले कथन में कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि छह से अंकित फलकों के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति सेकंड और थर्ड पर्याप्त है। वो कह रहा है कि हमें छह से अंकित फलक के मतलब छह के विपरीत बताना है, और छह के विपरीत बताने के लिए सेकंड और थर्ड पर्याप्त है। मतलब दूसरे और तीसरे पासे से हम छह के अपोजिट निकाल सकते हैं क्या, तो चलो हम देख लेते हैं। तो हमारा वही काम जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम करते आए हैं कि कोई हम दो पासे ऐसे देखते हैं जिसमें कोई एक अंक क्या हो, कॉमन हो, और कॉमन एक अंक मिल जाए तो बस समझो हमारा काम बन गया। तो देखो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में भाई मुझे चार का अंक कॉमन दिख रहा है, आपको भी चार का ही अंक कॉमन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले वही काम करते हैं जो कॉमन होता है, सबसे पहले कॉमन लिखते हैं। कॉमन लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। तो चार, चार के बाद एक और एक के बाद दो, चार एक दो, ठीक है। वही काम दूसरे वाले पासे में करते हैं, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं। चार छः पाँच, चार छः और पाँच, ठीक है, वही काम करेंगे। चार, चार के बाद एक, एक के बाद दो, चार एक दो लिखा है, फिर चार, चार के बाद छः, छः के बाद पाँच, चार छः पाँच, और फिर जो अंक बचता है उसको हम कॉमन अंक के सामने लिख देते हैं। तो कौन सा अंक बच गया भाई, तो देखो हमें एक दिखाई दे रहा है, दो दे रहा है, तीन दिखाई नहीं दे रहा, तो तीन हमने चार के सामने लिख दिया। तो हमें हमसे क्या कह रहा है वो पहले वाले कथन में, यह ज्ञात करने के लिए कि छह से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति सेकंड और थर्ड पर्याप्त है। तो भाई देखो हमने छह के अपोजिट निकाल लिया, छह के अपोजिट क्या आ गया, छह के अपोजिट एक आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई जो पहला कथन कह रहा है कि छह के अपोजिट निकालने के लिए दूसरा और तीसरा डायस पर्याप्त है, तो हम कह सकते हैं भाई छह के अपोजिट हमारे निकल गया तो पर्याप्त है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है, पहला जो कथन है वो एकदम सही है, पहला कथन एकदम सही है, क्योंकि हमें छह के अपोजिट ज्ञात करना है और पहले दूसरे का यूज करके हम छह के अपोजिट निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे कथन में वो क्या कह रहा है, दूसरे कथन में वो ये कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि चार से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, सेकंड और थर्ड पर्याप्त है। वो कह रहा है कि भैया चार के अपोजिट बताना है, और चार के अपोजिट बताने के लिए क्या हम सेकंड और थर्ड जो कथन है वो पर्याप्त है, सॉरी सेकंड और थर्ड जो हमें डैश दे रखे हैं वो पर्याप्त हैं। तो भाई हम चार के अपोजिट बता सकते हैं, चार के अपोजिट हमने यहाँ पे तीन निकाल लिया है, तो हम उसकी ये बात से भी सहमत हैं कि भाई सेकंड और थर्ड पासे का यूज करके हम चार के अपोजिट हम निकाल सकते हैं। चार के अपोजिट हम ज्ञात करते हैं सेकंड और थर्ड का यूज कर रखे, तो हम ये बात भी उसकी सही है, हम ये वाली बात भी उसकी सही है कि भाई हम सेकंड और थर्ड का यूज करके चार के अपोजिट हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने चार के अपोजिट निकाल लिया तो कथन उसका दूसरा भी सही है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखो तीसरी बात क्या कह रहा है, वो तीसरा कथन क्या कह रहा है, तीसरा कथन वो ये कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए तीन से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति सेकंड और फोर्थ पर्याप्त है। अब उसने भाई ये कह दिया कि तीन के हमें विपरीत बताना है, और तीन के विपरीत बताने के लिए पहला और चौथा पर्याप्त है। मतलब पहले डायस और चौथे डायस का यूज करके हम जो हैं तीन के अपोजिट बता सकते हैं। तो भाई देखते हैं हम तीन के अपोजिट कैसे बताएंगे, पहले और चौथे का यूज करो। पहले और चौथे में क्या दे रखा है, देखो पहले और चौथे की बात करें तो क्या दे रखा है, हमें वही है कॉमन अंक देखते हैं, तो क्या कॉमन दे रखा है,
छः और दो, देखो यहाँ पे आपको छः और दो दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको छः और दो दे रखा है। तो मैं आपको सबसे पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ, जब दो आपको डाइस दे रखे हों और दोनों डायसों में कोई दो नंबर कॉमन हो, तो जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो देखो छः दो से छः दो हट गया, छः दो से ये छः दो हट गया, तो क्या बचा, चार बचा और तीन बचा। मतलब हमने यहाँ से याद कर लिया कि चार के अपोजिट क्या होगा, तीन होगा। हमने जो है पहले वह चौथे का यूज करके हमने निकाल लिया कि भाई चार के अपोजिट क्या होगा, तीन होगा। तो हम उसकी इस बात से भी सहमत हैं कि यह ज्ञात करने के लिए कि तीन अंकित के विपरीत कौन सा फलक होगा, पहली और चौथा डैश पर्याप्त है। तो हमने पहले और चौथे का यूज करके हमने ये बात निकाल ली कि चार के अपोजिट तीन होगा, मतलब चार के तीन के अपोजिट हमने निकाल लिया। तो उसकी ये बात भी सही है भाई, उम्मीद करता हूँ समय आ गया होगा। देखो मैंने आपको जो डैश पढ़ाए थे हर ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, ऑप्शन से, हर तरीके से इसलिए पढ़ाए थे कि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम में हमें ना तो ये मतलब कि इस ट्रिक से करना है, इस फॉर्मूले से करना है, ऑप्शन से करना है, बस हमारा एक ही मतलब होता है कि जल्दी से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, चाहे वो तुक्के से आए, चाहे ट्रिक से आए, चाहे कॉन्सेप्ट से, किसी से आए। और हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए तो हम क्वेश्चन को देखते ही पता कर लें कि भाई ये ऑप्शन हमें ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करना है कि दो कॉमन ट्रिक से करना है कि एक कॉमन ट्रिक से करना है, ठीक है। तो हम देख के ही हम बता कर सकें। तो ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। अब मुझे कैसे पता लग जाता है कि मैं इसको ऑप्शन से करूं कि दो कॉमन से करूं कि एक कॉमन से करूं, मैं इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे देखते ही पता लग जाता है कि इसको जो है हम किस तरीके से करें। तो मैं आपको बता चुका हूं कि चार वाले दिखें तो सबसे पहले हमें ऑप्शन से करना है, ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई थी। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको दो कॉमन जो है उससे भी किया है हमने, एक कॉमन है उससे भी किया है, तो हर तरीके से किया है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें सारी चीजों का यूज करना पड़ता है। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि ये चार डाइस दे रखे हैं, इसमें से ये चार कथन दे रखे हैं, इन पे विचार करना है। और इन ये जो कथन जो बात कह रहे हैं वो हमने यहाँ पे कर लिया है, और हमें इन कथनों से ये पता लग गया है कि भाई पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। मैं आपको ये पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, उपयुक्त जो हमें कथन दे रखे हैं उसमें से क्या सही है। तो पहला वाला देखते हैं, केवल एक तथा तीन सही है। नहीं भाई, एक तथा तीन नहीं, तीनों सही है। केवल पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करूं, केवल दूसरा और तीसरा सही है, भाई ये बात भी गलत है। तीसरे की बात करूं, केवल दो और तीन सही है, ना भाई ये बात भी बिल्कुल गलत है। और चौथा देखूं, पहला दूसरा तथा तीसरा सही है, ये बात बिल्कुल सही है। भाई जो हमने ऊपर तीनों कथन देखे हैं वो तीनों कथन सही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मैंने बहुत धीरे धीरे से आपको बता दिया है, जिसमें मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है, एक डैश दे रखा होता है मानक या साधारण, वो भी करा दिया है। दो डैश दे रखे होते हैं वो भी करा दिया, जिसमें एक कॉमन हो, दो कॉमन हो या कोई भी कॉमन ना हो, और तीन डैश वाला और चार डैश वाला भी करा दिया है। इससे ऊपर एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट बने मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अगर नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते, मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं आगे वाली क्लास में।